कैसे हैं आप सब। चलिए एक और चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी थर्ड बी फॉर्म सिक्स सेमेस्टर का, और यूनिट नंबर वन उसका स्टार्ट करते हैं। लेकिन यूनिट नंबर वन जब पढ़ने से पहले एक बार पूरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि इस चैप्टर खत्म होने के बाद, इस यूनिट खत्म होने के बाद हमें क्या क्या चीज़ें आने लगेंगी। तो आपको अपनी सांस से रिलेटेड जो भी दिक्कतें होती हैं, जो भी दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि अस्थमा वगैरह हो गया, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गया, सर्दी खांसी जुकाम हो गया, ठीक है, इनसे रिलेटेड कोई बात हो गई, और दूसरा आपके पेट से रिलेटेड यानी स्ट्रॉन्ग सीटेड खाना पीना, वोमिटिंग, डायरिया, ये चीज़ें जो भी हो रही हैं, इन सब के बेसिस पे हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर वन। यूनिट नंबर में दो प्रकार के हमको ड्रग्स पढ़ने हैं, एक ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम और दूसरा पढ़ना है ड्रग और एक्टिंग ऑन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिस्टम, जीआईटी सिस्टम। तो कुल मिला के इसमें कुल 10 चैप्टर पढ़ने हैं। जी हाँ, 5 चैप्टर इसमें और 5 चैप्टर इसमें, यानी कि कुल 10 चैप्टर हम खत्म करेंगे तब जाके एक यूनिट खत्म होगी फार्माकोलॉजी में, ठीक है। बहुत ही बड़ा सिलेबस है और 10 चैप्टर का मतलब लगभग ऑलमोस्ट आप 10 लेक्चर मान लीजिए, क्योंकि कुछ लेक्चर्स की अस्थमेटिक और ये एंटी डस्टिक्स और यहाँ पे आ जाएगी नीचे में 3 चैप्टर, तो ये बड़े चैप्टर्स है। इसमें हो सकता है कि 3 से 4 लेक्चर भी लेंगे, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं सारा समाप्त करके एक लंबी वीडियो बना के एक ही लेक्चर में सब खत्म करूँ। तो कुल मिला के आप ये मान सकते हैं कि 10 अलग अलग लेक्चर हम खत्म करेंगे, 10 चैप्टर खत्म करेंगे तो जाके एक यूनिट फार्माकोलॉजी की खत्म होगी। तो देख लेते हैं पहले कौन कौन चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 है एंटी एस्थमेटिक ड्रग। आप अस्थमा जानते हैं प्रॉब्लम क्या होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, ब्रोंकाई कॉन्ट्रैक्ट करता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, इनहेलर दिए जाते हैं एस्थलीन, सेरोफ्लो, फॉर्मेटिलीन, ठीक है। दूसरा होता है ड्रग यूज्ड इन सीओपीडी मैनेजमेंट। सीओपीडी का मतलब है कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यानी हमारे जो ये भी सांस की प्रॉब्लम है, हमारे जो एल्वोलाई होते हैं, जो पल्मोनरी ट्यूब्स होते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं जिससे हम सांस नहीं ले पाते। ये सीओपीडी के बारे में बात करें, कौन कौन सी मेडिसिन, कौन कौन सी दवाई देते हैं इसको ठीक करने के लिए। तीसरा है हमारा एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटीडिप्रेसिव ड्रग्स। तो एक्सपेक्टोरेंट और जानते हैं जिसमें सर्दी खांसी जितने भी कफ सिरप आते हैं, उन कफ सिरप के बारे में हम जानेंगे, उनके इंग्रेडिएंट बारे में जानेंगे, उनका रोल जानेंगे इस चैप्टर में। अगला है नेजल डिकंजेस्टेंट, यानी नाक जाम होता है, अक्सर आपको सर्दी खांसी में नाक जाम हो जाता है, ऐसे आप करते हैं सांस नहीं ले पाते हैं, तो बाबा भारत राम जी कहते रहो, रामदेव जी कपाल भाती करिए, अनुलोम विलोम कीजिए, तो कैसे आप नाक को खोल सकते हैं, उसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन आती है, ऑक्सीमेटाजोलिन, मेथाजोलिन, ये सब आएगा वर्ड। तो ये सब इन दवाओं के बारे में हम जानेंगे चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट की, यानी अगर जिसको सांस लेने में दिक्कत है, सांस नहीं ले पाता, तो कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट की तरह काम करती है, तो चैप्टर नंबर 5 में हम इसको डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 6 में आते हैं, यानी ड्रग एक्टिंग और जीआईटी स्टार्ट होता है यहाँ पे। एंटी अल्सर एजेंट्स, हमारे पेट के अंदर जब एसिडिटी होती है, एसिडिटी लेवल बढ़ता है, अल्सर होता है, पेप्टिक अल्सर होता है, तो उसको कैसे ठीक करेंगे, कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्लासिफिकेशन 100% एग्जाम में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसकी बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 7 में बात करेंगे ड्रग्स फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, कब्ज और डायरिया लोटी लैट्रिक जो होती है उस केस में कौन सी बीमारी के केस में कौन सी दवाइयाँ देते हैं, है ना, ऑफ्लॉक्सासोन, लिंडाजोल, ऑफ्लॉक्स टीजेड, नॉर्फ्लॉक्स टीजेड, है ना, और ऑनडन सेट्रॉल, ये सब आपके जो दवाइयाँ कॉन्स्टिपेशन और डायरिया के लिए क्या क्या यूज करते हैं, ऑनडन सेट्रॉल सॉरी एमटी का होता है। आगे हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 में एपेटाइट स्टिमुलेंट एंड सप्रेसेंट। किसी किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो कम खाना कम खाने के लिए हमको सप्रेसेंट देना पड़ेगा, और किसी किसी को भूख नहीं लगती है, वो खाना ही नहीं खाता है, तो कौन सी दवाइयाँ देकर के उसकी भूख को हम बढ़ा सकते हैं, कौन से हमारे एपेटाइट स्टिमुलेंट होते हैं, ये सब भी हम जानेंगे इस चैप्टर नंबर 8 में। चैप्टर नंबर 9 में हम बात करेंगे डाइजेस्टेंट एंड कार्बिनेटिव। कभी कभी क्या होता है, खाना लोग खाते हैं, बदहजमी होती है, कच्ची लगार आती है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, खाने का मन नहीं करता, पेट भारी भारी रहता है, तो उस केस में खाने को बचाने के लिए जो हम देते हैं डाइट डाइजेस्टेंट एंड कार्बोहाइड्रेट्स की यूज करेंगे, कोमोसिव आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा होगा, सौफ वगैरह, ठीक है। और लास्ट चैप्टर नंबर 10 हम पढ़ेंगे, दिस इज द एमेटिक्स एंड एंटीबायोटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट, वोमिटिंग कितने प्रकार की होती है, है ना, मॉर्निंग सिकनेस, डायरियल सिकनेस होता है, मोशन सिकनेस होता है, तो उल्टियाँ कितने प्रकार की होती है, कुछ लोगों को रास्ते में जब गाड़ी चलती है तो उल्टी होती है, प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में उल्टी होती है, तो उसमें कौन सी मेडिसिन देते हैं, क्या इसका पूरा फैक्शन है, कैसे काम करेगा, तो कुल मिला के ये 10 चैप्टर हमको पढ़ने हैं यूनिट नंबर 1 में। और जब हम ये पूरे के पूरे 10 चैप्टर खत्म करेंगे तो जाके एक यूनिट खत्म होने वाली है, बहुत ही लंबा सिलेबस है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से, और चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे एंटी एस्थमेटिक ड्रग, और लंबी भी लेक्चर लेकर के, कम से कम 1 घंटे के लेक्चर लेकर के कोशिश करूंगा कि पूरे के पूरे चैप्टर को एक बार में खत्म करूं।
ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तैयारी करती रहिए, मिलते हैं बहुत जल्दी क्लोजिंग के नेक्स्ट लेक्चर के साथ, मैं आपके सामने आने वाला हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।